नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली कूच पर अड़े किसान, पुलिस से भिड़ंत, ग्रीन लाइन पर 6 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद कर दिया गया है। ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, श्रीराम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, घेवरा स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार सुबह सिंधु बॉर्डर पर कुछ किसानों से बात की है। पुलिस ने किसानों को वापस जाने की अपील की और कोरोना नियमों का पालन करने को कहा। हालांकि किसान दिल्ली जाने पर अड़ गए हैं और पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हम दिल्ली के रामलीला मैदान में ही जाकर रुकेंगे। पुलिस की ओर से सिंधु बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। किसान वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और दिल्ली आने पर अड़ गए हैं। किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है और अब अधिक आक्रामक होता जा रहा है। शुक्रवार सुबह किसान पुलिस द्वारा सारी रोक हटाकर रोहतक पहुंच गए। यहां रोहतक दिल्ली हाईवे पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर सोनीपत में भी किसानों और पुलिस में तनाव बढ़ गया है। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत बॉर्डर पहुँच गया। किसानों ने यहाँ भी बैरिगेटिंग को हटाना शुरू कर दिया है। दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगने का आसार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।